ओके बेटा, यस्टरडे वी डिस्कस रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, दैट इज स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, मेथड टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, दैट इज आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज एंडोरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एंडोरेंस, एंडोरेंस हम किसको बोलते हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोरेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लियर दिस वर्ड एंडोरेंस। एंडोरेंस मींस यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू कंटिन्यू एनी एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। कोई भी अगर आप काम करते हो उसको आप कितने लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर एंडोरेंस। अर्लियर वी कॉल दिस स्टेमिना, ठीक है। पहले हम इसको क्या बोलते थे कि हमारी स्टेमिना कितना है, नाउ इट्स चेंज, इसको हम एंडोरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी हम, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का है, कोऑर्डिनेशन का है, उसको हम एजिलिटी बोलते थे, ठीक है। सेम स्टेमिना मींस एंडोरेंस, कि आपको कितनी पावर है, कितनी ताकत है आपको वो एक्टिविटी सस्टेन, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस। स्पोर्ट्स एंड गेम में आपने इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू इंप्रूव, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंडोरेंस जो होती है आपकी डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे, ठीक है। आप समटाइम यू हैव सीन, जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं या खेलते हैं या छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्राउंड की एक्टिविटी करा रहे हैं या राउंड लगा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो सम स्टूडेंट्स वो क्या है, वो अपने कंटिन्यूटी में अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, After having two steps, few meters, they stop. They can't continue that activity for longer duration. या जो भी time आपको दिया है, वो continue नहीं कर पाते हैं. So that is आपका endurance. अब इसकी जो types हैं वो क्या होती है? Endurance आपको कितनी short time के लिए, एक आपकी होती है long duration के लिए. That is depend upon. अब आप लोग कौन सी game खेल रहे हैं? Which endurance is more required for your game, that we have to know in training method. उसके लिए आपको अपनी training पर according to your need, according to your game, we have to choose. But generally what happens, it is two types. एक आपका होता है short term और एक हो गया long term. जो short term activity होती है उसको what we call that anaerobic. You know what is anaerobic activity and aerobic activity? So, what do you understand by anaerobic? Anaerobic. Yeah, आपने सुना होगा aerobic exercise कर रहे हैं, anaerobic exercise कर रहे हैं, what is that? Sir, anaerobic means without oxygen. कौन सी आपकी आपके हिसाब से गेम में कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी स्पोर्ट्स होती है जो एरोबिक होती है? जो सर एरोबिक होती है, एनारोबिक, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो जिसमें कम होती है। इफ यू आर गोइंग फॉर एनी स्प्रिंट, ठीक है, जो आपके स्प्रिंटिंग इवेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक, ठीक है। जहां पे आपने 100 मीटर करना है, आपको वहां पे ब्रीदिंग का टाइम नहीं मिलता, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। इसी गेम को बोलते हैं कि देयर इज नो टाइम टू टेक ब्रीथ, वो आप ऑल आउट में विद इन सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड में यू हैव टू फिनिश द रेस, that is anaerobic.
ठीक है, जिसको हम शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज बोलते हैं। देन एरोबिक विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज, गिव एनी वन एग्जांपल। सो यू एट लीस्ट यू शुड नो कि व्हिच एक्टिविटी इज कॉल्ड एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक आपकी होगी लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज, ठीक है, जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है आपकी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू इंप्रूव, ठीक है, एंडोरेंस। अब एंडोरेंस को आपने इंप्रूव करना है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं उसको, हाउ वी डू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जो इसमें मोस्टली आपका यूज होता है, दैट इज ओल्ड टेक्निक या ओल्ड आप कह लो कि हमारा शुरू से एंडोरेंस को इंप्रूव करने का क्या होता था। व्हेनेवर एनी पर्सन कोई भी आर्मी में फोर्सेस में जाते थे, आर्मी में क्या ट्रेनिंग होती है या फोर्सेस में, जस्ट दे स्टार्ट योर रनिंग एंड यू हैव टू कंटिन्यू योर एक्टिविटीज इन आवर्स। आप दो दो घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे भाग रहे हो, ठीक है। तो एक माइंड सेट क्या होता था अर्लियर, अभी आपका सारा ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट बन गया है, टेक्निकल जो है इस पे वर्कआउट बहुत ज्यादा हुआ है, साइंटिफिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन बायोमैकेनिक्स, ठीक है। तो वो सारी उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया है कि विच ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ट, कौन सा किस लिए होता है। तो अर्लियर हमारा क्या होता था मेन कि हमने क्या करना है, एंडोरेंस इंप्रूव करनी है, अगर स्टैमिना स्ट्रॉन्ग होते हैं तो व्हाट वी डू यू जस्ट स्टार्ट रनिंग। अब जितनी तेज जितना देर लंबा भाग सकते हो यू हैव टू रन सिंपली, उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपने इन आवर्स भाग रहे हो, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे आप रनिंग कर रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 15-30 किलोमीटर आपका जो ड्यूरेशन है उसका, ठीक है, दैट इज 30 to 2 hours, मतलब आपने घंटे तक भागना है और आपकी जो पल्स रेट है 140-60 के बीच होनी चाहिए। आपका जो स्लो फेस में आपने कंटिन्यू करनी है एक्टिविटी, बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करनी है, दैट इज द मेन मोटिव, सिंपल है। तो आपने क्या कर रहे हो, आप भाग रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, आपकी पल्स रेट ज्यादा नहीं जाएगी, आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, टाइम ज्यादा होगा, उससे आपकी एंड्योरेंस इंप्रूव होगी। बट ये क्या है कि वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन मेथड, आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, यू आर गोइंग फॉर आवर्स, ठीक है, उसके बाद क्या है रेस्ट भी चाहिए आपको। दिस कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड का बेसिक्स क्या है कि आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना है। इसमें फिर क्या होता है, डिफरेंट फेसेस है। अब इसके फेसेस कौन कौन से है, स्लो फेज, फास्ट फेज, वेरिएबल फेज, ठीक है, ये इनके डिफरेंट फेसेस है। जब भी हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके उन्होंने डिफरेंट फेसेस बनाए हैं। हाउ यू हैव टू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, उसमें फिर हमने डिफरेंट फेसेस बना दिए हैं। एक बना दिया स्लो फेज का, अगर आप रनिंग कर रहे हो स्लो कंटिन्यूस जो एक्टिविटीज करनी है आपको रुकना नहीं है, उसमें थ्री फेसेस पर डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस। वन इज आपका स्लो फेज हो गया, ठीक है, तो स्लो फेज हो गया उसमें आप क्या कर रहे हो, आपका डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा हो जाता है, आपकी पल्स रेट भी 140-60 के आसपास होनी चाहिए, सो दैट यू कैन गो यू कैन कवर दैट पर्टिकुलर व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियसली द वर्किंग ऑफ 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आप रनिंग करते हो, तो आपका जो स्लो पेस पे आप रनिंग करोगे, ठीक है, और जो आपकी पल्स होगी वो भी 140-60 के आसपास होगी, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी फास्ट रेस, आपने स्लो जिसको बोलते हैं जॉगिंग टाइप। जितनी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस करोगे वहां पे आपको एक फेज स्लो फेज में रनिंग करनी होगी। इसी में नेक्स्ट आपका जो आ जाता है दैट इज स्लो के बाद आपका आ जाएगा फास्ट फेज, ठीक है। अब उसमें फास्ट फेज में आप क्या करते हो, आपके जो लिटिल बिट चेंज इन योर रनिंग एक्टिविटी, उसमें आपका जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ फास्ट
अगर आपने पास रनिंग कर रहे हो तो वहां पे आपका सबसे पहले डिस्टेंस रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, आपका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया 3 to 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम रनिंग करते हैं पास में, और ये जो आपका ड्यूरेशन होगा दैट इज 20 मिनट्स के आसपास, 30 मिनट्स के आसपास, ठीक है। देन योर पल्स रेट ये आपकी 160-80 बीट चलती है पर मिनट। नेचुरली अगर हमने कोई शॉर्ट डिस्टेंस एक्टिविटीज करनी है तो वहां पे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज अ थ्री टाइप, फर्स्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग करता है, कंटिन्यूस में फर्स्ट फेज होगा आपका स्लो फेज, ठीक है, आप एक जॉगिंग जिसको बोलते हैं जॉगिंग वर्क में यू आर गोइंग फॉर अ स्लो फेज। देन नेक्स्ट इज द फास्ट फेज, फास्ट फेज मींस यू हैव टू स्प्रिंट आउट। इफ यू आर स्प्रिंटिंग आउट देन व्हाट हैपन, योर ऑटोमेटिकली डिस्टेंस इज शॉर्ट, योर फेस इज फास्ट। इसी का बेटा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, उन्होंने कहा है कि आप स्लो फेज में भी भाग लो फास्ट में भी भाग लो, देन देयर इज वन वेरिएबल फेज। वेरिएबल फेज मींस आप यू आर रनिंग फास्ट देन यू जॉगिंग यू स्लो डाउन जस्ट गो फॉर स्प्रिंट, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होगा आपका वो उन दोनों के बीच में होगा 10-15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपको उसमें 15 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन हो गया। आपकी जो पल्स है वो 140 से 180 तक होती है, क्योंकि आपको स्लो भी करना है अपनी बॉडी को फास्ट भी करना है। ये तीन आपके कंटिन्यूस मेथड में ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं प्लान है, ट्रेनिंग आपने करनी है कैसे करनी है, बस आपका स्लो पेस में डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। आप ज्यादा डिस्टेंस के लिए जा रहे हो तो नेचुरली जो आपका रनिंग का रनिंग जो आप करोगे वो स्लो पेस में करोगे, ठीक है, उसमें आपकी पल्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, दैट इज 140-160 पर मिनट। आप उसको स्लो पेस में कर रहे हो देन आपका आ गया फास्ट पेस, नेचुरली आपका डिस्टेंस कम हो गया स्पीड आपकी तेज होगी। देन नेक्स्ट इज वेरिएबल पेस, वेरिएबल पेस में आपने क्या करना है बेटा, स्लो एंड फास्ट दोनों का मिक्सचर हो गया, उसमें आपकी पल्स 40 से 100 तक जाएगी, डिस्टेंस आपका उनके बीच का हो गया 10-15 किलोमीटर। इसके एडवांटेजेस क्या है आपका, यू इंप्रूव स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ठीक है। इसका क्या आपका बेनिफिट हो गया, अगर आप सपोज आपकी जो एक्टिविटी है लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको एंड्योरेंस चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस की, तो यू गो फॉर स्लो पेस, ठीक है, आप स्लो पेस पे जाओ, आप डेली आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रनिंग करो, जितनी भी आपकी मैराथन रेसिंग होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग होती है वहां पे इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है। देन आपका नेक्स्ट हो गया फास्ट पेस, जितने भी आपके 100, 200, 400, 800, ठीक है, वहां पे आपको स्पीड को कॉन्स्टेंट, एक ही स्पीड को उसमें आपने कॉन्स्टेंटली रनिंग करनी है, तो आप ही आपका फास्ट पेस वेरिएबल हो गया है, जहाँ पे आपको स्पीड की या कोई भी गेम खेलते हैं वहां पे क्या होता है, इफ यू आर प्लेइंग एनी मेजर कोई भी आप मेजर गेम खेल रहे हो वहां पे एकदम आपको भागना है, एकदम स्लो होना है, हॉकी है, फुटबॉल है, बीच में एकदम स्पिन लगा देते हैं, तो वहां पे ये एंड्योरेंस की बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरत होती है। आप कोई भी गेम खेल रहे हो आप देखो एंड्योरेंस कहीं पे भी आपके काम आ सकती है, रनिंग आपने कहाँ करनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कभी आपको स्प्रिंट लगानी पड़ रही है, कभी आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, सम टाइम अगर आपको बॉल लेनी है तो बॉल में यू हैव टू स्प्रिंट आउट, मिडफील्डर है उसमें बॉल को ड्रिबल करना, स्लो पेस में फिर उसको आगे लेना, तो इससे हम आपको बेनिफिट क्या होगा, हम स्पेसिफिक जो हमको रिक्वायरमेंट है अपनी गेम की उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ योर गेम, यू कैन इम्प्रूव अ लॉट, जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है रनिंग करके, ठीक है, आपका जो लंग की कैपेसिटी वो बढ़ती है, प्लस चांसेस ऑफ इंजरीज रिड्यूस, डिजीज रिड्यूस। अगर आप डेली आप कोई भी आप जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, ठीक है, साइकिलिंग करते हो, तो व्हाट हैपन, आपका इंटरनल ऑर्गन्स
वो क्या होते हैं, बिल्कुल आपके स्ट्रेंथ भी उनमें होती है, वो आपको डिजीज फ्री रखेंगे आपको, ठीक है। और बहुत लेस चांसेस होते हैं अगर जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उसमें किसी भी डिजीज में इंजरीज के, क्यों, आपकी बॉडी फ्लेक्सीबल है, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल्स आपके स्टिफ नहीं होंगे, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी एथलेटिक डिस्ट्रॉन्ग होते हैं बॉडी, वो बॉडी इजिली वो आदमी आप इंजर्ड नहीं होता है। अगर आप कहीं स्पोर्ट्स आप स्लाइड भी मार रहे हो, कहीं गिर भी गए हो, ठीक है, व्हाटएवर, कोई वो लोग जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है, वो एकदम उनको कोई ना कोई मसल दूर हो गया है, पैरिंग हो गई है। बट दोज वो डेली एक्सरसाइज रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप कभी भी देख लेना उनको इजली और कोई भी इंजरी उनको जल्दी नहीं होती, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रेंथ टू बियर दैट पर्टिकुलर। अगर आपने कोई भी आपको बॉडी को एक्सटर्नल फोर्सेस कोई झटका लग गया तो यू कैन बियर दैट। तो दिस इज द मेन आपका एडवांटेज है, और उसके डिसएडवांटेज भी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप भागते रहोगे सारा दिन, कोई और कुछ नहीं करोगे तो वह कैसे होगा, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग कुड बी देयर, प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रेनिंग मेथड, उसमें एक आपको आता है कि आपको जब भी किसी को ट्रेनिंग करानी है तो उसमें वैरायटी, ठीक है, सो दैट उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बना रहा, अदरवाइज क्या होगा, उसमें जस्ट यू गो फॉर रनिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, एंड यू कैन इंप्रूव और ओनली एरोबिक फिटनेस, ठीक है। सिर्फ आपकी एरोबिक फिटनेस इंप्रूव हो रही है, बाकी आपकी कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही। सो दिस इज आवर रिगार्डिंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद आपका नेक्स्ट आगे होगा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये थ्री मेथड है आपके, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एक हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया आपका इंटरवल मेथड, थर्ड वन इज कार्डियक ट्रेनिंग मेथड। दिस थ्री टाइप्स ऑफ मेथड बाय व्हिच वी आर इंप्रूविंग आवर एंड्योरेंस, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड हो गया, नाउ वी स्टार्ट विद द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। एज वी नो अबाउट इंटरवल मींस इंटरवल फेसेस, जो शॉर्ट्स स्पेल में आपने काम करना है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते थे, अपने आपको ट्रिगर का एग्जांपल देता हूँ, अर्लियर द टेंडेंसी ऑफ द कोचेस एंड ट्रेनर्स, आपने जो बॉलर है फास्ट बॉलर है उसको 20 ओवर्स करा दिए, 15 ओवर्स, 10 ओवर्स एक स्ट्रेच में करवा दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता था, हम बोलते थे कि बहुत हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, इससे आप 10 ओवर्स कराओ एक ही स्ट्रेच में, एक टर्न में। उससे क्या हो गया, आने वाले टाइम में वो प्लेयर एक दो तीन साल के बाद इंजरी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया अपना सारा, इंस्टेड ऑफ गिविंग लॉन्ग स्पेल दे आर यूजिंग देयर फास्ट बॉलर इन अ शॉर्ट स्पेल, 5 ओवर 6 ओवर, ठीक है। उससे क्या हो गया, एक लोगों का कैरियर का लाइफ का और लंबा हो जाएगा, इंजरीज कम होगी, प्लस वो जो छोटे स्पेल में करेगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा उसमें एनर्जी स्ट्रेंथ होगी। अगर आप किसी एक्टिविटी को ज्यादा देर के लिए ज्यादा लंबा खेल दो तो क्या होगा, एक्चुअली उसमें उसमें वो पेनिट्रेशन, वो इफेक्टिवनेस वो नहीं होगी। तो ऐसे ही उन्होंने सारी इंटरवल ट्रेनिंग का मेथड उन्होंने इसीलिए बताया, आप लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग 20 किलोमीटर यू गो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। आपको वहां पे हम बोलते हैं कि जो आपने 2 घंटे में काम करना है, तो 2 घंटे में आप वर्कआउट करते हो, अगर उस काम को हम 1 घंटे में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी डू फॉर 1 आवर वर्कआउट। मेन पर्पस ऑफ दिस इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, इसको हम एफर्ट्स एंड रिकवरी मेथड भी बोलते हैं, एफर्ट करना रिकवरी, एफर्ट करना रिकवरी करना, ठीक है। तो इसमें आपके 2 टाइप्स के इन्होंने फर्दर मेथड रखने, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव, ठीक है, दो तरह से इसमें ट्रेनिंग के इन्होंने मेथड रखे हैं, एक इंटेंसिव इंटरवल मेथड एंड सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मेथड। 1930 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रेनिंग मेथड,
आपका जो इंटेंसिव ट्रेनिंग मेथड है उसमें क्या है, 15 टू 30 मिनट्स तक आपने वर्कआउट करना है, 2 to 2.5 तक आपने रनिंग करनी है, आपकी पल्स स्पीड है 175-200 के पास होनी चाहिए, 80-90% आपने वर्कआउट करना पूरा यूज करना है, पूरी पावर स्ट्रेंथ यूज करनी है, ग्रेविटेशन आपके 10 से 15 के बीच में होनी चाहिए एंड 1 to 3 मिनट रेस्ट, दिस इज इंटेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको टाइम ड्यूरेशन भी शॉर्ट है, आपका डिस्टेंस भी कम है, बट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी विद फुल आपकी जो इंटेंसिटी है पूरा आपने उसको, आपकी जो पल्स रेट है वो पूरी 175 अबव होनी चाहिए। दिस इज इंटेंसिव मींस कि हमने किसी काम को, अगर हमने इंडोरेंस को अपना ग्रूव करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस पे उसको इंटरवल ट्रेनिंग करके भी आप उसको कर सकते हो, आपको शॉर्ट स्पेलिंग करना है, आपने लंबी एक्टिविटीज के लिए नहीं जाना है। ठीक है, तो मेन पर्पज इस पर यही था कि हमको शॉर्ट डिस्टेंस में तो अपनी इंडोरेंस को कैसे इंप्रूव करना है, तो दैट इज फॉर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें इंटेंसिव हो गया, देन एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड आ गया। एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या होगा मैडम, इसमें आपका डिस्टेंस थोड़ा टाइम और डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, आपको 5 to 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, 30 to 60 मिनट के आसपास आपका टाइम होता है, उसमें आपने वर्कआउट करना है, देन पल्स रेट थोड़ी आपकी 140-175 के आसपास होनी चाहिए, और रेस्ट का जो पीरियड होता है दैट इज 1 to 2 मिनट्स, रेपिटेशन आपने 15 से 30 कर ली। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमने एक बार रनिंग की है, ठीक है, तो उसको हमने कितनी बार करना है, रेपिटेशन अगेन यू हैव टू डू दैट एक्टिविटीज। अब आपको उन्होंने बोला है कि स्कोर भी आपने ट्राई करना है, ठीक है, आप यहाँ पे रनिंग कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस में, आप रनिंग कर रहे हो तो उसमें रेपिटेशन आपके ज्यादा होगा, अगेन एंड अगेन यू हैव टू डू दैट एक्टिविटीज। ठीक है, दिस इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। आपने किसी काम को बार 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 करना है, टाइम आपका सेव हो रहा है, बट जो आपकी एंड्योरेंस है वो उसका जो आपको, जैसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी कर रहे हो कंटिन्यू, रिजल्ट आपको वो होगा, इंप्रूव आपकी जो इंश्योरेंस है वो इंप्रूव होगी, बट हमने मेथड चेंज कर लिया, हमने मेथड चेंज कर लिया इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के हिसाब से, मींस शॉर्ट स्पेल में हमने रनिंग करनी है, डिस्टेंस कम करना है, बट रेपिटेशन ज्यादा करना है। ठीक है, जितनी बार उसको बार 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 एक्टिविटी करोगे तो आपका इंश्योरेंस आपकी उससे बढ़ेगी। ये आपका हो गया सेकेंड वर्ड, बट रेपिटेशन उसके बढ़ा दो। ठीक है, जब आपने रेपिटेशन उसके बढ़ा दिया, आपने रिकवरी पीरियड कम कर लिया, इसको हम बोलते हैं एफर्ट एंड रिकवरी। एफर्ट करते रहना, रिकवरी करते रहना, एफर्ट करना, रिकवरी करना, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू इंप्रूव योर एंड्योरेंस। इसमें जो लास्ट का मेथड है दैट इज फार्टलेट मेथड। ठीक है, फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, ये आपका, इसको हम, इसका एक अनदर नेम है, इसको हम बोलते हैं स्पीड प्ले। समटाइम गिवन क्वेश्चन व्हाट इज स्पीड प्ले या व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, वी कैन से इसको स्पीड प्ले भी बोलते हैं। ये जो बेटा मेथड है इसमें टोटली आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, आपने जो भी वर्कआउट करना है, आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है, आपने जॉगिंग करनी है, स्प्रिंट करनी है,
एक्सरसाइज है इन एनीथिंग, और इसको मोस्टली हम क्या करते हैं हील पे से, ठीक है, कोई रिवर या किसी के कोई आपका रिवर के किनारे में आपका लिए कोई पार्क में चल रहे हैं, ठीक है, कोई जो जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपवर्ड रनिंग करनी हो डाउनवर्ड रनिंग करनी हो जो उसके लिए आइडियल प्लेस, ठीक है, तो इसमें कोई ये स्पेसिफिक नहीं होता है। सपोज अगर हम कोई भी ट्रेनिंग मेथड करते हैं कंटिन्यूस है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है दैट वी हैव टू चूज अ पर्टिकुलर ट्रैक, आप कितने मीटर दौड़ रहे हो, आपका डिस्टेंस कितना है, आपका टाइम कितना है, ठीक है, बट इन द केस ऑफ हार्ड ट्रैक ट्रेनिंग मेथड इसमें आपको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आपको वहां पे पल्स का कोई नहीं होता है, वैल्यू कोई आपको 140 50 60 लेवल आपको जहां पे लगता है कि आपने रुकना है जहां पे आपने चलना है, दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन योर फॉर्म। इसमें जो एथलीट होता है वो अपने हिसाब से अपना ट्रैक का वर्कआउट करता है, वो जॉगिंग से स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर रुक गया, फिर स्प्रिंटिंग कर रही है, फिर एक्सरसाइज कर रही है, वॉकिंग कर रही है, ब्रिस्क वॉकिंग कर रही है, इट इज टोटली अपॉन द इंडिविजुअल। इसमें आप इसको हम जैसे स्पोर्ट्स वेकेशनल या ऑफ सीजन इसमें करते हैं तो इसमें कोई कोचिज का कोई रोल नहीं होता है, ये आपने अपने आप ही करना होता है, बाकी जो ट्रेनिंग मेथड है उसमें आपको बकायदा आपकी हर चीज को नोट किया जाता है, ठीक है, बट इसमें आपने क्या इंडिविजुअल को एथलीट को बोल दिया लेकर स्लो है वो डू योर एक्टिविटीज, तो आप अपने हिसाब से रोल कर रहे हो, अपने हिसाब से रोल रहे हो। इसका सबसे मेन जो आपका डिसएडवांटेज जो इसका मेन है वो ये है कि यू आर फार फार अवे फ्रॉम एक्चुअल ट्रैक जहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, आप उस ट्रैक से अलग प्रैक्टिस कर लो। सेकेंड आपको वहां पे कोई ये नहीं देख रहा है कि आपका जो वर्कआउट है दैट इज सब पूरा बात करता हूँ, आप अपनी मर्जी से पूरे वो कर रहे हो, तो वो जो एक्चुअल गेम जो आपकी होगी वहां पे इसका यूज नहीं है, ठीक है, वहां पे आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। और इसका एक एडवांटेज क्या है, यू कैन इंप्रूव योर विल पावर। अगर आप अपने आप के काम करते हो स्कूल आपने भी नहीं करो दोस्त वर्क डूइंग दिस एक्टिविटीज विद योर ओन वो उनमें विल पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये टोटली बेस्ड अपॉन योर विल पावर। तो ये आपके बेटा थ्री मेन एंड्योरेंस के आपके मेथड्स होंगे, हाउ टू इंप्रूव कंटीन्यूअस दैट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फार ट्रैक ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो एफर्ट एंड रिकवरी पे बेस्ड होता है इसमें आप ज्यादा अपना बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में और कंटिन्यूस में आपका स्लो फास्ट एंड वेरिएबल। थर्ड वन इज फॉर ट्रैक ट्रेनिंग मेथड, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपके लिए कंडीशन नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है आप किसी पार्क में चल जाओ, कोई हिली स्टेशन पे चल जाओ, वहां से आप अपने हिसाब से पार्क को दौड़ लो, उसको जब आपको लगता है एक्सरसाइज कर लो, जब आपको लगता है थोड़ा जॉगिंग करनी है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो दीज आर द थ्री मेन ट्रेनिंग मेथड्स। दिस टॉपिक इज नाउ एंड नाउ टुमारो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग स्किल। स्पीड क्या होती है, ठीक है, स्पीड को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एमर्जिंग ग्रोथ, हाँ जी ग्रो, हाँ जी सर, फोर डेज आपका हो गया है, मतलब आपको मैं सेंड कर दूंगा बच्चे, क्या सर, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एंड संडे, बस फोर डेज आपकी क्लास होगी, ठीक है, ओके सर, सेंड कर दूंगा आपको, ओके सर, आपने चेक करा ली थी बेटा पहले की जगह, नहीं, हाँ जी सर, नहीं जो दोबारा करा दी थी उसको अपडेट करना, उसको लगता है पहले गुरु के नंबर रखने था सर, कंप्लीट ही है वो बनानी थी ना, एक तो छोटी सी पड़ी थी वो आपने कहा था, फिर छुट्टियों के बाद ले आई, वो बना दिया, बना दिया, हाँ जी सर, तो
तो हाँ उसको अच्छी तरह बना के रखना, क्योंकि वो ही दौड़ धूप जाएंगे आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है।